हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 7 ऑफ द सीरीज रिकर्शन फोर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यार, आज मैं तुम्हारे लिए स्टेयर्स प्रॉब्लम लेके आया हूँ। स्टेयर्स प्रॉब्लम को हम एकदम बेस से उठाएंगे और सब कुछ क्लियर करेंगे यार। कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों बताई जाएंगी। वीडियो एंड तक देखना यार, क्योंकि एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट और एक बहुत अच्छी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आगे बहुत काम आएगी। इस वीडियो में हम दो क्वेश्चन करने वाले हैं स्टेयर से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो यार, पहला क्वेश्चन है, तुमको इनपुट में एक नंबर एन गिवन है। तुमको इनपुट पे एक नंबर एन गिवन है, वो क्या दिखा रहा है? ये बता रहा है एंथ स्टेयर। तुमको क्या आउटपुट करना है? समझा रहा हूं एक बार, प्रॉब्लम समझ लो अच्छे से। मान लो ये स्टेयर्स गिवन है, ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। ये तुम्हारी जीरो स्टेयर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तुमको एन गिवन है, लेट्स सपोज फोर गिवन है। तुमको बताने हैं नंबर ऑफ वेज टू रीच फोर्थ स्टेयर फ्रॉम जीरो स्टेयर बाय गिविंग। आइदर तुम वन का जंप ले सकते हो, तुम टू का जंप ले सकते हो, तुम थ्री का जंप ले सकते हो। वीडियो पॉज करो और एक बार खुद से ट्राई करो। तो मैं होप करता हूं तुमने ट्राई कर लिया होगा यार। तो एक बार देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो देखो, अगर तुम सीरीज शुरू से फॉलो करते आ रहे हो तो लेक्चर फोर की फील आ गई। फील आ गई क्यों भैया? देखो, एंथ स्टेयर तक जाना है ना, मान लो एंथ स्टेयर तक जाना है, और मैं यहां तीन तरह के जंप ले सकता हूँ वन से। तो या तो मैं यहां से पहुंच सकता हूँ, या मैं यहां से पहुंच सकता हूँ, या मैं यहां से पहुंच सकता हूँ। तो बेसिकली एंथ स्टेयर तक जाना n-1 स्टेयर पे डिपेंड कर रहा है, एंड n-2 स्टेयर पे डिपेंड कर रहा है, एंड n-3 स्टेयर पे डिपेंड कर रहा है। भैया भैया भैया, ये तो वही फील आ गई कि n जो है वो n-1 n-2 पे डिपेंड कर रहा है। भैया, तो सुना सुना सा लग रहा है। लग रहा है ना सुना सुना सा? बिल्कुल, ये फिबोनाची है। n 2 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके लिए क्या, इसके लिए रिकरेंस पता है ना तुमको क्या था? फिब ऑफ n-1 प्लस फिब ऑफ n-2। और मैंने वहां हिंट भी दिया था कि फिब यहां पर यूज होता है। सिंपल सी बात है यार, वेज टू रीच एंथ स्टेयर क्या इक्वल होगा? वेज टू रीच n-1 स्टेयर प्लस वेज टू रीच n-2 स्टेयर प्लस वेज टू रीच n-3 स्टेयर्स n-3 स्टेयर। खत्म क्वेश्चन। रिकरेंस मिल गया? कोड तो तुम लिख लोगे यार, इतने तो हो तुम एक्सपर्ट, मुझे पता है। इस भैया, ये क्वेश्चन लेके क्यों आए आप? ये तो हम कर चुके हैं ना फिबोनाची में सेम टू सेम। मैं यार इस वजह से लेके आया, ये जो मैंने फैक्टर इंट्रोड्यूस करा है थ्री का। तो मैं अब चाहूंगा तुम एक बार कोड लिखो। तो यार, आई होप तुमने कोड लिख लिया है। नहीं समझ आ रहा है अगर कोड कैसे लिखना है उसका, तो यार आई बटन में देखो लिंक आ गया होगा। तो यार फिब वाले केस में जो बेस केस हमने लिखा था वो कुछ इस तरह था, एन इज लेस देन इक्वल टू वन रिटर्न एन, ऐसा ही था। इसमें दो बेस केस छुपे हुए हैं, 0 और 1। ठीक है, बताया था वन के लिए क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि फिब का रिलेशन कुछ ऐसा था। तो वन के लिए क्यों लिखा था? क्योंकि अगर वन -2 कर दिया तो -1 पे पहुंच जाऊंगा, जो कि गलत है। ठीक है, जो कि गलत है। अब सुनो, वेज के लिए क्या बेस केस आएगा सोचो। इफ, तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है, एन लेस देन और इक्वल टू 2 तो आएगा ही आएगा, जिसमें रिटर्न एन हो जाएगा। समझो इसका मतलब क्या है, समझो। 0, 1, 2, 3, इसका मतलब क्या है? वन तक जाने के कितने तरीके हैं? तो यार एक जंप मार दूं, एक तरीका है। टू तक जाने के, या तो मैं ऐसे ऐसे चला जाऊं, या मैं डायरेक्ट यहां से 2 का जंप मार दूं। दो तरीके हैं, ठीक है, यही बेस केस है, डन। अरे नहीं मेरे भाई, अभी कहां से डन, अभी एक बेस केस बच गया।
सोचने वाले सोच गए भाई, करेक्ट। इफ एन इक्वल टू 3 हुआ तो रिटर्न क्या? कितने तरीके हैं 3 तक जाने के? तो देखो, 1 2 3, एक तरीका ये, प्लस एक यहां पे गया और फिर 2 की जंप मार दी, एक ये प्लस 2 की जंप स्टार्टिंग में मारी और फिर 1 की मारी, एक ये प्लस एक डायरेक्ट 3 की जंप मार दी, एक ये प्लस 4। समझ में आया ये क्यों लिखा है? ये क्यों लिखा है? क्योंकि अगर अगर मैंने इनपुट एन इज इक्वल टू 3 के लिए चलाया तो उसमें ये वाला तो कभी काउंट ही नहीं होगा जो मैंने डायरेक्ट जंप मारा है। क्यों? क्योंकि एन इज इक्वल टू 3 के लिए तेरी 3 कॉल्स लगेंगी, 3 कॉल्स लगेंगी। मान लो एन इज इक्वल टू 3 के लिए चला रहा हूं, ये क्या है, वेज 3 माइनस 1 2, वेज 3 माइनस 2 1, वेज 3 माइनस 3 0। देखो ध्यान से, 2 के तक जाने कितने तरीके, 2, 1 तक जाने कितने तरीके, 1, और ये बेस केस कह रहा है कि 0 तक जाने के 0। कितना आया आंसर, 3। क्या 3 सही आंसर है? नहीं, 3 सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, 4। इसमें क्या काउंट नहीं हो रहा? इसमें काउंट नहीं हो रहा वो एक तरीका जिससे मैं डायरेक्ट 3 पे आ सकता था, ठीक है। तो इसे कोड इंप्लीमेंटेशन देखते हैं यार एक बार। तो यार अब आ गए हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। तो यार यूजर से एक इनपुट ले ले एन, ठीक है, आंसर में डालेंगे हम जो ये नंबर ऑफ वेज रिटर्न करके आएंगे और इस आंसर को हम आउटपुट कर देंगे। चलो तो वेज फंक्शन डिफाइन करें, टॉप पे क्या बैठेगा, वेज केस क्या है, एन इज लेस देन और इक्वल टू 2, रिटर्न एन। एक और बेस केस है 4, इसी के लिए तो तुमको ये क्वेश्चन कराया है। बस लास्ट, वेज एन माइनस 1 प्लस वेज एन माइनस 2 प्लस वेज एन माइनस 3। चलो तो चला लें एक बार 3 के लिए, क्या आंसर आना चाहिए, 4। टड़ा, एक और चला लेते हैं 4 के लिए, क्या आंसर आना चाहिए, 7। टड़ा, समझ में आया? तो चलो यार अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए कराया क्योंकि ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट फिबोनाची वाले में समझा चुका हूं, अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लो। तो यार हमने कोड इंप्लीमेंटेशन देख ली है, एक बार थोड़ी टाइम को सीडी चर्चा कर लें कि यार अब लिखाई है तो निपटाई देते हैं। कितनी कॉल्स लग रही हैं, 3। अगर रिकर्शन ट्री बनाऊंगा कितनी खुलेंगी ब्रांचेस, 1 2 3। जब 2 ब्रांच खुल रही थी तो कितनी आ रही थी, मतलब फिबोनाची की बात करूं कितनी आ रही थी, 2 रेस टू द पावर n। इसकी कितनी आएगी, 3 रेस टू द पावर n। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जितनी हाइट देगा कितनी हाइट देगा, n माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ऐसे करता जा रहा है, n तक जाएगा, मतलब हाइट ऑफ द ट्री। ठीक है, तो यार तुमको एक चीज तो अभी तक क्लियर हो गई होगी, हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कि जब भी काउंट पूछे या नंबर ऑफ वेज पूछे, मतलब तरीके पूछे उस तक जाने के, तो तुम क्या करते हो, तुम एन माइनस 1 से आ रहे हैं वो निकाल लेते हो, एन माइनस 2 से आ रहे हैं वो निकाल लेते हो, एन माइनस 3 से आ रहे हैं वो निकाल लेते हो। वो निकाल लेते हो मतलब रिकर्शन निकाल देता है, तुम क्या करते हो उस पे भरोसा, और बस तुम उन तीनों को ऐड करके रिटर्न कर देते हो, 3 हो या 2 हो फिबोनाची की केस में, यही होता है काउंट में। सही बात है, यही इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है कि जब भी तुमसे काउंट या वेज पूछे तो तरीके निकालो उस तक पहुंचने के जब प्रॉब्लम थोड़ी सी छोटी हो, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी क्वेश्चन में गिवन होगी, और बस उनको ऐड करके रिटर्न करा दो, और बेस केस डिफाइन करना आना चाहिए। अब अगर तुम्हें कोई भी काउंट की प्रॉब्लम मिल जाएगी ना, मैं श्योरिटी दे रहा हूं, मैं श्योरिटी दे रहा हूं कि तुम फोड़ दोगे, तुम फोड़ दोगे, तुम फोड़ दोगे, गारंटी है।
याद रखना काउंट नंबर ऑफ वेज कैसे निकालते हैं, ठीक है? खत्म हुई। भरोसा तुम्हारा काम, बेस केस वही वही है यार, ये तुम्हारा काम ऐड करके रिटर्न करना, ठीक है? काउंट का तुम कर लोगे। अब बढ़ते हैं इसी की सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम में, ठीक है? क्या है प्रॉब्लम देखो, सेकेंड टाइप। तुमने अभी तक वेज निकाले हैं उस तक पहुंचने के, अब तुमको निकालना है प्रिंट पाथ्स, मतलब रास्ते टू रीच एंथ स्टेयर। इनपुट बता रहा हूं, इनपुट क्या होगा, इनपुट होगा एन। आउटपुट क्या करना है वो देख लो। लेट सपोज एन इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, तो तुमको आउटपुट क्या करना है देखो, 0, 1, 2, 3 पाथ निकालने हैं थर्ड तक जाने के। तो देखो कैसे कैसे जा सकता हूं मैं, खड़ा हूं यहां पर, एक का जंप मारूं, फिर यहां से एक जंप मारूं, फिर यहां से एक जंप मारूं, पहुंच जाऊंगा, मतलब 1, 1, 1। एक ही तरीका हुआ, एक तरीका हुआ 2 का जंप मारूं और फिर 2 से 1 का जंप मारूं, मतलब 2, 1। तुमको ये जंप प्रिंट करना है। एक का जंप मारूं और यहां से 2 का जंप मारूं, तो मतलब 1, 2। या फिर मैं डायरेक्ट यहां से 3 का जंप मारूं, मतलब 3। तुमको ये आउटपुट देना है। प्रॉब्लम समझ आई? कुछ नहीं, वही नंबर ऑफ वेज वाली प्रॉब्लम को वेज की जगह अब तुमको पाथ प्रिंट करने हैं। एक बार वीडियो पोस्ट करो, देखो कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर सबसीक्वेंस वाले से थोड़ी सी सीख लो और हो जाएगा ये प्रॉब्लम। आई होप तुमने ट्राई कर लिया होगा। तो चलिए एक बार सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो यार देखो जंप्स कितने अलाउड हैं, जंप्स कितने अलाउड हैं, तुम्हें अभी बताया 1, आइदर 2, आइदर 3। अब मैं थर्ड वीडियो के बाद बता रहा हूं दोबारा से, ये पिछली वीडियो में क्यों नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था तुम स्टार्ट से सीरीज फॉलो करो। इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम, सबसे पहले क्या आएगा, बेस केस, सेकंड पे क्या बैठेगा, तुम्हारा काम या भरोसा तुम्हारा काम, और थर्ड पे क्या आएगा, थर्ड पे आएगा भरोसा, किस पे, भरोसा फंक्शन पे। ये कहां से आया भैया, ये आया लेक्चर 1 से, अच्छे से बताया है, ठीक है? अब देखो मां ये, अब देखो मैं क्या डिफाइन करने वाला हूं, मैं कहूंगा रिकर्शन भैया मैं 1 वाले जंप ऐड कर रहा हूं, आप मुझे सारे पाथ ला के दे दो जिसमें 1 वाले जंप हैं, फिर मैं 1 वाले जंप हटा दूंगा, डोंट रिमूव। रिकर्शन भैया मैं 2 वाले जंप ऐड कर रहा हूं, आप मुझे सारे पाथ ला के दे दो जिसमें 2 वाले जंप हैं, फिर मैं 2 वाले जंप हटा दूंगा, डॉट रिमूव। मैं 3 वाले जंप ऐड कर रहा हूं, आप मुझे सारे पाथ ला के दे दो जिसमें 3 वाले जंप हैं, और मैं 3 वालों को रिमूव कर दूंगा। ये क्या है, तुम्हारा काम, ये क्या है, भरोसा, ये भी भरोसा, ये भी भरोसा, ये सब तुम्हारे काम है जो लिख रहे हैं। बेस केस तुमको पता है कैसे लिखते हैं। अब सुनो भैया, ये तो वही फील हो गई ना कि हर किसी के पास 2 चॉइस हैं, पिक और नॉट पिक। ऑब्वियसली 1 का जंप लगा के सारे पाथ, फिर 1 का जंप हटा के सारे पाथ, पर 1 प्रोसेस हो गया, यही बताया था तुम्हें भैया। यार ये तो सबसीक्वेंस वाली ट्रिक लग गई। एग्जैक्टली, समझ में आया कैसे लिखते हैं, कैसे इनको यूज करते हैं, कैसे हम कॉन्सेप्ट जो पढ़ रहे हैं उनको यूज करते हैं, वही यूज कर रहा हूं, समझ में आई बात। अब एक बार आते हैं बेस केस पे। एक चीज याद रखो, जैसे काउंट में बताया था, जब भी कोई प्रिंट का क्वेश्चन आए लिखो भाई इसको अपनी नोटबुक में लिखो, ये कोई नहीं बता रहा है, जब भी कोई प्रिंट का क्वेश्चन आए आंसर हमेशा, आंसर हमेशा एंड पे मिलेगा। हिंदी में लिख लो भाई अपनी नोटबुक में, हाँ एग्जैक्टली, आंसर हमेशा एंड में मिलेगा का क्या मतलब है, अगर रिकर्शन ट्री यू खुल गया तो हमेशा आंसर बेस केस पे मिलेगा, जैसे सब सीक्वेंस में मिल रहा था लास्ट लेक्चर। अब इसका कोड देखते हैं, तुम्हें सब कुछ क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है? तो अब आ गए हम हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर, तो चलिए इसे कोड करते हैं। सबसे पहले इंट एन बनाऊंगा, यूजर से लूंगा एन,
ठीक है, अब क्या एक फंक्शन बनाऊंगा जो मुझे पाथ प्रिंट करके देगा, प्रिंट पाथ, जिसे मैं एक जीरो, मतलब मैं जीरो स्टेयर पे खड़ा हूं, एन, और एक में पास करूंगा आंसर, जो कि मैं वेक्टर बना रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली सबसीक्वेंस की तरह ही है यार, और बस मैं रिटर्न कर दूंगा ऐसे मेन को, ठीक है। अब इस फंक्शन को लिखें, डेटा टाइप क्या होगा, वॉइड, क्योंकि प्रिंट करा रहे हैं हम, प्रिंट पाथ इंट आई इंट एन कॉमा वेक्टर इंट आंसर। अब ध्यान से देखो, पहले ऊपर की बजाय पहले मैं नीचे लिख रहा हूं, बाद में बेस केस डिफाइन करेंगे, कोड में समझा देंगे सब कुछ यार। देखो बेस केस को भी छोड़ते हैं, सबसे पहले क्या बताया था, सबसे पहले मैं लूंगा आंसर डॉट पुशबैक, क्या भैया वन वाले पाथ, फिर मैं कॉल करूंगा आई प्लस वन करके एन आंसर को, फिर मैं क्या करूंगा आंसर डॉट पॉप बैक, आगे तुम जानते हो आंसर डॉट पुश बैक, क्या टू रिकर्शन भैया, सारे पाथ लाके दे दो टू जंप वाले आंसर डॉट, अब हटा दो उसको, पिक नॉट पिक, पिक जंप थ्री रिकर्शन भैया, सारे पाथ लाके दे दो थ्री जंप वाले, और अब आप भी हट जाओ, सही बात है। अब ध्यान से सोचो, मैं जो है रिकर्शन चला रहा हूं, वो मैं आई कितना है स्टार्टिंग में, जीरो, तो मैं जीरो से कहां की तरफ मूव कर रहा हूं, एन की तरफ। बेस केस किसके लिए बनेगा, एन के लिए, क्या बेस केस होगा, इफ आई इक्वल टू एन, मतलब मैं डेस्टिनेशन पे पहुंच गया हूं, तो क्या करो, कुछ नहीं प्रिंट करा दो आंसर को, सॉरी आई नहीं एलिमेंट लिख लेते हैं, प्रिंट करा दो जंप, और यहां से कर दो रिटर्न, रिटर्न। अच्छा क्या तुमने लिख लिया है, क्या हो गया है ये, नहीं हुआ है मेरे भाई। सुन, अगर मान ले तेरा एन जो है वो थ्री है और तू टू पे खड़ा है और कॉल इसकी लग गई आई प्लस थ्री की, तो तू थ्री से आगे भग गया ना, वो तो इनवैलिड चीज है, तो एक बेस केस हो रहेगा, क्या इफ आई ग्रेटर देन एन हो जाए तो सिंपली रिटर्न कर दो, हम इनवैलिड पे क्यों जाएंगे भाई, मरना थोड़ी है, आगे खाई है तो मैं खाई में क्यों कूदूंगा, तो इसको रन करें, बताओ थ्री के लिए रन करते हैं सबसे पहले। अच्छा लाइन तो चेंज की ही नहीं, तो चलो थ्री के लिए रन करते हैं इसको, आ गए चारों पाथ, वन 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 करके, वन टू करके, टू वन करके, और एक डायरेक्ट थ्री का जंप, समझ में आया। चलो एक और कर लेते टेस्ट केस, फोर कितने आने चाहिए, सेवन पाथ आने चाहिए, समझ में आया, फील लगी कि हमने वही चीज लिख दी है, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, पिक नॉट पिक, और आंसर लाके दे रहा रिकर्शन, बेस केस, और ये कहां जा रहे हो, अभी खत्म नहीं हुआ है भाई, अभी एक सॉल्यूशन और बताना है इसका, तो चलो यार हमारी दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं और दूसरा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, तो यार चलो इसका एक और अच्छा सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, कुछ नहीं है बस कोड मॉडिफाई कर दिया है मैंने, ये एज इट इज है इनवैलिड केस है, यहां से रिटर्न कर जाऊंगा, ये मेरा बेस कंडीशन है। अब ध्यान से देखो भैया ये क्या लिख दिया, यहां से आपने ये वाली लाइन्स तो गायब भी कर दी, ये जो इधर लाइन्स लिख रही थी, सही बात है। तो यार यहां पर क्या जा रहा था पहले, यहां पर पहले जा रहा था, पहले जा रहा था, पहले था वेक्टर, अब क्या है, अब ये भैया स्ट्रिंग है, वेक्टर पास कर रहा था रेफरेंस से, देख लिया था तुमने ऐसे पास कर रहा था ना, मतलब रेफरेंस ऑफ आंसर, ये स्ट्रिंग है, कोड में वैसे दिख जाएगा पर उससे पहले ही कमेंट करो, बताओ इसको रेफरेंस से पास करूं या नहीं करूं, रेफरेंस और नॉट। अच्छा भैया ये क्या कर दिया है आपने, ये कोड इतना सा कैसे हो गया है, इसमें से छह लाइंस उड़ा दी हैं यार आपने, तो देखो ये जब आगे कोड जाएगा, आंसर बता रहा हूं रेफरेंस से पास नहीं होगी, ये जब आगे कॉल मारेगी, मान लो ये स्टार्टिंग में एम्प्टी होगी, मान क्या लो एम्प्टी होगी, पहली कॉल जब लगेगी ये जीरो होगा, ये मान लो थ्री है ये एम्प्टी है, पहली कॉल जब लगेगी तो क्या क्या खुलेगा,
प्रिंट पाथ, ये क्या हो रहा है, कंकेटिनेशन हो रहा है, तो यहां पर क्या जाएगा, आई प्लस वन मतलब वन, थ्री का थ्री, और यहां पर अभी वन रखा है, नई स्ट्रिंग बनी है जिसमें वन है, ठीक है। अब मान लो इसमें भी एज इट इज लाइन लिख रही है, तो यहां पर भी एक लाइन होगी प्रिंट पाथ, यहां पर बेस केस होगा, यहां पर भी एक लाइन होगी आई प्लस वन कोमा एन कोमा आंसर एस टी आर प्लस वन, तो इसकी दोबारा कॉल लगेगी। अब देखो नेक्स्ट कॉल में क्या हो रहा है, प्रिंट पाथ वन कॉमा थ्री कॉमा, यहां पर क्या आएगा, देखो आंसर स्ट्रिंग में यहां पर वन है, कंकेटिनेट हुआ, यहां पर आ गया वन वन, समझ में आया। फिर ये आगे कॉल मारेगा थर्ड प्रिंट पाथ को, क्या आ जाएगा वन थ्री, एक और वन ऐड हो जाएगा वन वन वन, और ये हो गया बेस केस हिट, एम थ्री था, आंसर में क्या है वन वन वन, प्रिंट हो गया आंसर, समझ में आया ये कैसे चला है, क्यों नई स्ट्रिंग बन रही है बार बार, ठीक है। उसमें एक ही वेक्टर था, एक ही, इसीलिए रेफरेंस से पास कराया था, इसमें बार बार नई स्ट्रिंग बनेगी, हर बार जब भी कंकेटिनेट होगा एक नई स्ट्रिंग बन जाएगी, पर एंड में उसी नई स्ट्रिंग में आंसर होगा, सिमिलरली टू के लिए जाएगा, सिमिलरली थ्री के लिए जाएगा, जब ये वापस लौट के आएगा तो ये तो एम्प्टी है ना, तो इसमें क्या जाएगा, अब एम्प्टी प्लस टू हो जाएगा, मतलब टू की कॉल जाएगी, सिमिलरली जब ये यहां पर लौट के आएगा तो अब तो इसमें वन ही है ना, वन के लिए आगे टू की कॉल जाएगी, समझ रहे हो, मतलब ये जो लाइन है ये जब आगे जा रही है, ये जब आगे जा रही है तो क्या हो रहा है, तो मैं कर रहा हूं पिक, और ये जब लौट के आ रही है तो ऑटोमेटिकली नॉट पिक हो रहा है, मुझे वो करने की नीड नहीं है, मतलब मैं जो यहां पर लिख रहा था, मैं जो यहां पर लिख रहा था कि डॉट पुश डॉट पॉप, तो ये तो हो गया भैया पुश, और पॉप ऑटोमेटिकली हो चुका है, आपको वो करने की नीड नहीं है, अगर मैं यहां पर स्ट्रिंग बना लेता हूं। तो चले एक बार इसी कोड इंप्लीमेंटेशन की तरफ, तो यार अब आ गए हमारी वीएस कोड की स्क्रीन पर, तो देखते हैं, तो यार ये हमारा पहले वाला कोड था जो हमने वेक्टर करा था, इसमें क्या चेंजेस होंगे, एन यूजर से इनपुट लेंगे, भैया वेक्टर की जगह भैया ने बताया स्ट्रिंग आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज पास होगा, यहां पर सही है सब कुछ, आई जाएगा एन जाएगा, ये भैया वेक्टर और रेफरेंस दोनों हट जाएंगे, यहां पर आ जाएगा स्ट्रिंग, ठीक है, इनवैलिड इनवैलिड रहेगा ये एज इट इज, ऐसे प्रिंट ना करा के डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, सी आउट आंसर, ठीक है, इसको भी इसी में लिख देते हैं यार, ऐसे अलग से क्यों लिखना है, ठीक है। अच्छा ये भैया ने बताया था ये सारी लाइन हट जाएंगी, तो कमेंट ही कर देते हैं यार, इनकी जगह क्या आ जाएगा, इनकी जगह क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा वन का जंप, यहां पर आ जाएगा टू का जंप वाले सारे पाथ, यहां पर आ जाएगा थ्री के जंप वाले सारे पाथ, डन, चलाएं रन करें इसको थ्री के लिए, तड़ा सेम आंसर आ रहा है, चार आ रहे हैं, चलो चार के लिए भी रन कर लेते हैं, सेवन आना चाहिए, तड़ा सही है, समझ में आया कोड को मॉडिफाई कैसे करते हैं, दोनों सॉल्यूशन ठीक है, पर बता रहा था कि कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, तो दोनों बता दिए। अब आता है मास्टर स्ट्रोक, अब चलते हैं इसके एक और सॉल्यूशन की तरफ, भैया क्या करे जा रहे हो, तीसरा सॉल्यूशन, हाँ भाई तीसरा सॉल्यूशन, और ये बहुत सही होने वाला है, तो चलो यार मूव करते हैं इसके तीसरे सॉल्यूशन की तरफ, तो यार चलो अपना तीसरा सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यार अभी तक जो हमने सॉल्यूशन पढ़ा ना, जो दोनों सॉल्यूशन पढ़े वो हम बिल्ड कर रहे थे डाउन से लेकर अप के ऊपर, ऐसे बिल्ड कर रहे थे हम, आई से एन की तरफ जा रहे थे, इसको दुनिया में कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। अब हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं वो हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, ये इंट्यूटिव थोड़ा सा कम है, बट धीरे धीरे इंट्यूशन ही तो बिल्ड करनी है, देखो कैसे सोचते हैं इसको, इसको कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच,
इंट्यूशन बिल्ड कैसे करते हैं? अब सुनो, अब एक नई चीज लेके आ रहा हूं, जो तुम भरोसा करते हो ना, जो तुम भरोसा करते हो उसको डिफाइन करना सीखो। अब डिफाइन करना सीखो यार। मैं पता कैसे कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, एनसीईआरटी नहीं पढ़ते? 3.1 भरोसा कर लिया, 3.2 अब डिफाइन करना सीख रहे हैं, तो ऐसे चल रहे हैं, मजा आ रहा होगा पक्का। तो चलो यार देखते हैं इसका मतलब क्या है भैया, डिफाइन करना सीखो। तो देखो, अभी हमने जो प्रिंट पाथ लिखा उसमें हम आई पास कर रहे थे, एन पास कर रहे थे, और ये आंसर तो चलो टेम्परेरी है, इसको छोड़ो, इसको डिफाइन करो, इसका मतलब क्या है देखो। तो भैया डिफाइन करते हैं, इसका मतलब है रिकर्शन भैया मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप मुझे आई से लेकर एन तक के पाथ लाकर दे देंगे। भाई ये लिखो एज इट इज हिंदी में अपनी नोटबुक में, ये डिफाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार। जब मैं आईआईटी की तैयारी करता था ना यार, जब जेई की तैयारी कर रहा था, तब यार हमारे सर बताते थे कि ऐसे हिंदी में लिखो तो याद रहता है। तो लिखो यार ये कि रिकर्शन भैया मैं आप पर भरोसा कर रहा हूं कि आप मुझे आई से एन के पाथ लाकर दो, ठीक है, चाहे आई प्लस वन से। मैं उसमें आइदर वन ऐड करूंगा या वन रिमूव करूंगा, टू ऐड करूंगा या टू रिमूव करूंगा, वो मेरा काम है। समझ गए समझ गए? डिफाइन करना आया तुम्हें रिकर्शन को? सीखो ये कैसे डिफाइन करते हैं कि रिकर्शन भैया आप पर मैं भरोसा कर रहा हूं कि आप मुझे आई से एन तक के पाथ लाकर देंगे, ठीक है। रिकर्शन क्या है? लॉयल। कितना लॉयल? तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से ज्यादा लॉयल है, तो ये लाकर देगा। अब मास्टर स्ट्रोक आने वाला है, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो सुनो, अब मैं कह रहा हूं कि प्रिंट पाथ मैं पहले बिल्ड कर रहा था यहां से यहां पर, अब मैं यहां से यहां पर बिल्ड करूंगा। मतलब मुझे n माइनस वन से लेकर 0, आंसर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या? अब डिफाइन करते हैं इसको। ये क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है रिकर्शन भैया मुझे n माइनस वन तक के पाथ लाकर दे दो। अगर तुमने इतना लिख लिया ना, हो गया। अगर n माइनस वन तक के पाथ मिल गए तो मेरा काम क्या होगा? मैं उसमें वन ऐड कर दूं, पहुंच गया एन पे। सिमिलरली लिखो अपनी नोटबुक में, प्रिंट पाथ एन माइनस टू कोमा 0, आंसर। यार ये 0 की भी नीड नहीं है यार, छोड़ो, ये तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूं, कोड में तो मैं 0 भी नहीं लिखूंगा, एक पैरामीटर ही हट जाएगा पूरा, ठीक है। इसको डिफाइन करो अपनी नोटबुक में, जल्दी लिखो ये क्या बता रहा है, डिफाइन करो। कर लिया? समझ में आया क्या हो रहा है? मैं कह रहा हूं रिकर्शन भैया मुझे n माइनस टू तक के पाथ लाकर दे दो। चलें इसके कोड इंप्लीमेंटेशन की तरफ। तो यार अब हम तीसरी बार आ गए अपनी वीएस कोड की स्क्रीन पर, तो देखो यार अब क्या मॉडिफाई करना होगा। n का n ही लेंगे, आंसर अपना टेम्परेरी आंसर स्टोर करेगा, ये पैरामीटर हो गया गायब। मैंने कहा था मैं एक पैरामीटर गायब कर दूंगा, कर दिया। इसको देखते हैं, तो भैया आई आप तो गायब हो जाओ, आई हो गया गायब, बेस केस अभी डिफाइन करेंगे, रुको इसको हटा देते हैं। यहां पर क्या आएगा सुनो, रिकर्शन भैया एन माइनस वन तक के पाथ लाकर दे दो, मैं उसमें वन ऐड कर दूंगा, पहुंच गया एन पर। रिकर्शन भैया एन माइनस टू तक के पाथ लाकर दे दो, मैं उसमें टू ऐड कर दूंगा, पहुंच गया एन पर। रिकर्शन भैया एन माइनस थ्री तक के पाथ ला कर दे दो, मैं उसमें थ्री ऐड कर दूंगा, पहुंच गया एन पर। हो गया ये खत्म, ये दोनों काम कर रहा है, वन ऐड वन रिमूव, बता चुका हूं लास्ट वाले में। चलो यार ये कमेंट्स भी हटा देते हैं,
बेस केस, अब सुनो बेस केस यही डिफाइन करते हैं। एन माइनस वन हो रहा है, एन माइनस टू हो रहा है, एन माइनस थ्री हो रहा है, मतलब मैं एन से जीरो की तरफ मूव कर रहा हूं, मतलब मैं कह दूं कि मैं एन से लास्ट कहां तक जा सकता हूं, जीरो की तरफ मूव कर रहा हूं। अब सुनो बेस केस लिखते हैं, इफ एन इक्वल टू जीरो, मतलब बताया था प्रिंट का आंसर हमेशा एंड में मिलता है और मैं एंड में आ चुका हूं, सिंपली सी आउट कर दो आंसर को। अच्छा डन हो गया, अभी नहीं हुआ, अभी एक बेस केस बच गया यार, अभी लास्ट में तो बताया तुमको। मान लो वन पे खड़ा हूं, मान लो वन पे खड़ा हूं, सुनो मान लो वन पे खड़ा हूं और क्या हो गया, एन माइनस टू हो गया, तो क्या हो गया, वन माइनस टू हो गया, तो कहां आ गया, तो माइनस वन पे आ गया, ये तो इनवैलिड है, बताया था मर जाऊंगा यहां पर, तो ये हटाओ, एक और केस लगेगा, एन अगर लेस देन जीरो हो गया तो सिंपली रिटर्न कर दो, मैं गलत जगह आ चुका हूं, समझ गए, हो गया कोड खत्म भाई, हो गया। देखो रन करते हैं, थ्री के लिए रन करते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, चार के लिए रन करते हैं, डन सेम आउटपुट आ रहा है, मजा आया सीखने में, मजा आया, पूरे मार्केट में कोई नहीं सिखा रहा यार ये तरीके, तो यार एक बार चलते हैं अपनी दूसरी स्क्रीन पर, एक बार एनालाइज कर लेते हैं, एक बार एनालाइज कर लेते हैं, लास्ट बार खत्म करते हैं यार, फिर मुझे पता है लेंथ ऑफ द वीडियो बड़ी हो चुकी है, पर तुम देख रहे हो कितने कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं मैं तुमको इस वीडियो में, तो यार एक बार सब कुछ समराइज कर लेते हैं। अच्छा रुक जाओ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की और बात कर लो, वही 3n आएगी, तीन कॉल्स लग रही हैं, तीन ब्रांच खुलेंगी, फिर आगे तीन ब्रांच खुलेंगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो ऑर्डर ऑफ n तो रिकर्शन कॉल्स की हो गई, और यार अप्रोक्सीमेटली 3n ही स्ट्रिंग की लगा लो, एक तुमने स्ट्रिंग भी लिया ना स्टोर कराने के लिए, वो भी तो इतनी ले लेगी, बार बार बनती जा रही है, बार बार बनती जा रही, तो जितनी कॉल्स लग रही है उतनी स्ट्रिंग बन रही है, समझ रहे हो। अच्छा तो यार एक बार सब कुछ समराइज करते हैं, तो भैया काउंट वाले क्वेश्चंस में, काउंट वाले क्वेश्चंस में तुम्हारा क्या काम होता है, रिकर्शन से कहो एन माइनस वन के निकाल दे, एन माइनस टू के निकाल दे, एन माइनस थ्री के निकाल दे, एड एंड रिटर्न, खत्म खत्म। भैया प्रिंट वाले क्वेश्चंस में एक चीज याद रखना, आंसर हमेशा एंड में मिलेगा, देख चुके हो तुम दोनों कोड में, और एक और चीज रिकर्शन डिफाइन करो, रिकर्शन डिफाइन करो, अगर प्रो बनना चाहते हो ना तुम, रिकर्शन पे रियल में भरोसा करना चाहते हो तो रिकर्शन डिफाइन करो, ठीक है, समझ में आया। यार बहुत मेहनत लगती है यार इन वीडियोस को बनाने में, और तुमको बेस्ट कंटेंट लाके दे रहा हूं, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है, तो यार वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मुझे पता है वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी कोडिंग।